हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग एजुकेशन बाय राजेंद्र प्रधान। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की राजेंद्र प्रधान 607, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि मैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकेंड में यूनिट नंबर सेकेंड जो है आपकी एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और इपॉक्साइड, तो उसके बारे में डिस्कस करने के पहले पिछले वीडियो में मैं यह बताया था कि पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है? अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और आगे के जो भी यूनिट है उसमें जो मैकेनिज्म में आती है, क्रियाविधि आती है, वो समझना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए उसको आसान बनाने के लिए मैं आपको सर्वप्रथम दो वीडियो, एक पहले वीडियो हो गया और एक ये वीडियो, दो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इपॉक्साइड सिलेबस पर ले चलूंगा। तो इधर देखेंगे कि कल हम दो हेडिंग तक पढ़े थे, विदलन या बंद विखंडन, ठीक है, बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है, फिर उसके टाइप पढ़े थे, उसके दो टाइप थे, होमोलिटिक विदलन, होमोलिटिक बॉन्ड और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, उसके बारे में वो मैंने डिटेल से समझाया था। अगर कोई मित्र अभी भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर के मेरे YouTube चैनल पर जाइए और वहाँ वीडियो पढ़ा, वहाँ जरूर उसको देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा, धन्यवाद। तो ठीक है, चलते हैं हम आपकी ये नेक्स्ट हेडिंग पर जो है आपका क्या, आक्रमणकारी अभिकर्म। ठीक है, आक्रमणकारी अभिकर्म उसके ऊपर लगभग कम से कम 10-12 हेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, वही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जो यूज होना है और जिसके बारे में यूज होता है तो उसी के बारे में थोड़ा आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चल रहे हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक। इन्हें कहते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक और मैं आपको बाकायदे पूरा नोट्स एक एक लिख करके बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग सभी लोग एक एक नोट्स को जरूर बनाइएगा। ठीक है, उसको बनाइएगा और पढ़िएगा। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में आधार अणु पर, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में एनी रिएक्शन में आधार अणु पर, उस अभिक्रिया के आधार अणु पर, बेस मॉलिक्यूलर पर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, आक्रमणकारी अभिकर्मक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में आधार अणु पर आक्रमण करते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आपने इंटर में नाम सुना होगा, नंबर एक नाभिक स्नेही अभिकर्म। ये दो प्रकार के होते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्म, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, क्या है इसकी डिफिनेशन, ऐसे पदार्थ अणु या ऋणायन जो इलेक्ट्रॉनों में प्रचुर होते हैं, मतलब अधिक होते हैं, उन्हें नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। जैसे Cl- साइनाइड, Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड आदि। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन फिलिक रिएजेंट, क्या है इसकी डिफिनेशन, ऐसे पदार्थ अणु या धनायन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। जैसे H+, Cl+, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये Cl- क्लोराइड है और Cl+ क्या क्लोरोनियम है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कंपटीशन लेवल में पूछ सकता है कि Cl- को क्लोराइड कहते हैं तथा Cl+ को क्लोरोनियम कहते हैं, क्यों? तो आप क्या कह सकते हैं कि
नाभिक स्नेही अभिकर्मक तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के कारण, अगर विकल्प हो दोनों, ठीक है, तो एनो प्लस आदि। अब अगली है क्या, प्रेरणित प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, किसी कार्बन श्रृंखला के सहारे अधिक विद्युत ऋणी, मतलब अधिक विद्युत ऋणी, ठीक है, परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन के आवेशित या द्विध्रुवित, आवेशित या द्विध्रुवित होने के प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। मतलब कोई कंपाउंड किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़ा है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन हमने ले लिया, हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आदि आदि, ठीक है, एक्स मान लिया, क्लियर। कार्बन श्रृंखला के सहारे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन के आवेशित या द्विध्रुवित होने के प्रभाव को प्रेरणित, किसी कार्बन श्रृंखला के सहारे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन के आवेशित या द्विध्रुवित होने के प्रभाव को प्रेरणित प्रभाव कहते हैं। प्रेरणित प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है, प्रेरणित प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है, स्टेबल प्रभाव, स्टेबल इफेक्ट है, तथा यह दो प्रकार का, प्लस आई और माइनस आई प्रकार का होता है। एक एग्जांपल लिया, ये कार्बन की एक श्रृंखला है, यहाँ से ये एक्स हाइड्रोजन समूह जुड़ा है, ये विद्युत ऋणी होगा तो इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और इन पर आंशिक धनावेश क्रम बाई क्रम बढ़ता जाएगा। यहाँ पर पहला आया था प्लस आंशिक धनावेश, फिर इस पर प्लस टू आ गए, इस पर प्लस एक दो तीन, तीन आंशिक धनावेश आ गए, इसी तरह इसमें चार आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ता जाएगा, क्लियर। और भाई जो भी त्रुटियां हो जाती है तो उस पर जरूर मुझको कमेंट करके बताएं, ठीक है, ताकि अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छा प्रदर्शन करके आपको कुछ अच्छा बता सकूं। प्रेरणिक प्रभाव के बाद आपकी अगली हेडिंग है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जानिएगा, और एक बात जानिए ये कि आप इसकी नोट्स बनाते जाइएगा और उसको याद भी करते जाइएगा, और जहां भी ना समझ में आए तो YouTube में पुनः जाकर वीडियो को फिर देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और आपके पास अगर बुक भी हो तो बुक से भी आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन, किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉनों पर उत्पन्न प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव बनाता है। किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉनों पर उत्पन्न प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। मैंने आपको आक्रमणकारी अभिकर्मक की परिभाषा बताई थी, क्या बताई थी, ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के आधार अणु पर आक्रमण करते हैं उन्हें आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं, ये बताइए, ठीक है। तो आगे देखिएगा, यह एक अस्थायी प्रभाव है तथा इस प्रक्रम में, इस प्रोसेस में यदि इलेक्ट्रॉन पूर्णतया, मतलब पूरी तरह से स्थानांतरित हो जाए तो जो पाई बंद होता है वो आपका टूट जाता है। कैसे, यह दो प्रकार का होता है, प्लस ई तथा माइनस ई। कैसे टूटता है, ये आपका एक प्रारूप लिया गया, डबल बॉन्ड लगा, ठीक है, डबल बॉन्ड किसको कहते हैं, एल्कीन को, सिंगल बॉन्ड एल्केन को, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन को, ठीक है। तो हम डबल बॉन्ड लेकर चल रहे हैं, डबल बॉन्ड में देखिए पाई बंद मौजूद है, कितने पाई बंद होते हैं, एक पाई बंद होता है और एक सिग्मा बंद होता है। तो इसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक होती है, आधार पर आक्रमण किया, आप इस तीर को इस साइड भी कर सकते हैं चाहे इस साइड कर लिए, ठीक है, जिस साइड तीर की इस जिस साइड ये एरो होता है, चिन्ह होता है, जिस साइड ये एरो होता है उस साइड माइनस आता है और उसके अपोजिट साइड भी जाता है प्लस आता है। ये देखिए जो आपको ये डबल बॉन्ड लगता था, एक
टूट गया। ये दूसरा जो बॉन्ड है ये देखिए धीरे 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 क्या हो गया, टूट गया। ये पाई बंध क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। अब अगली यदि क्या है, बंध लंबाई, बॉन्ड क्या है इसकी डेफिनेशन, किसी अणु में दो बंधित परमाणुओं के मध्य, दो बंधित परमाणुओं के मध्य की साम्य दूरी उस बंध की बंध लंबाई की, उस बंध की बंध लंबाई कहलाती है। कि किसी अणु में दो बंधित परमाणुओं के मध्य की साम्य दूरी उस बंध की बंध लंबाई कहलाती है। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन के मतलब अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कितने सिग्मा बंध है, कितने पाई बंध है, और इस एकल बंध की जो आपकी दूरी है बंध लंबाई वो कितनी होती है। तो देखिएगा सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध होता है और जीरो पाई बंध होते हैं, मतलब पाई बंध नहीं होते, और इसकी जो दूरी होती है 1.50 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर दूसरा है डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, इसमें एक सिग्मा बंध है और एक पाई बंध है, और दोनों इस डबल बॉन्ड की दूरी जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। याद रखिएगा ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकता है जनरल साइंस में। और सी ट्रिपल बॉन्ड सी एल्काइन में एक सिग्मा बंध और दो पाई बंध होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड की जो दूरी होती है त्रिबंध की 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। आपको एक बात और बता दे, आपको ये चीज याद रखना है, फिजिक्स में भी आप सुना होगा एंगस्ट्रॉम शब्द सुना होगा, तो मैं ये आपको ये चीज याद यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर, और एक माइक्रोन बराबर होता है 10^-6 मीटर, ठीक। आगे समझ में, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10^-10 मीटर, एक माइक्रोन बराबर 10^-6 मीटर होता है। क्लियर हुआ, और आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि वो भी कुछ ना कुछ अच्छा तो पढ़ ही पाए। अब योगात्मक अभिक्रिया अगली एडी एडिशन रिएक्शन क्या है, जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद प्रोडक्ट बनाते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ये समझ लीजिए कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया के बाईं ओर, अभिक्रिया के बाईं ओर जो भी पदार्थ होते हैं अर्थात जो भी अभिक्रिया में रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। ये क्या हुए आपके अभिकारक, अभिकारक। और अभिकारक आपस में क्रिया करके जो भी नया कंपाउंड बनाते हैं उसको उत्पाद कहते हैं, और यह अभिक्रिया के दाईं ओर होता है। कहां होता है भाई, दाईं ओर होता है, अभिकारक बाईं ओर होते हैं, ठीक है। तो जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, उसके मैकेनिज्म भी बता रहा हूँ क्रिया विधि, यहाँ थोड़ा हल्की मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब मैं एल्कोहल फिनाइल की तरफ पढ़ाऊंगा वहां पर आपको और डिटेल में मिलेगा। एक मैकेनिज्म को लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे एथिलीन C2H4 पर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं योगात्मक अभिक्रिया, तो योग कराने वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एथिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H4, अगर स्ट्रक्चर फॉर्म तो CH2 डबल बॉन्ड CH+ HBr, पहले ऐसे सिंपल रिएक्शन देख लीजिए कैसे बनती है इसकी, CH2Br रिएक्शन CH3 एथिल ब्रोमाइड। अब इसकी मैकेनिज्म क्रिया विधि से समझेंगे कि कैसे एथिल ब्रोमाइड बनता है। पहले आप HBr लीजिए जिसका योग कराना हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, इसमें आप विषम विघटन कराइए हेट्रोलिटिक,
तो उस साइड इलेक्ट्रॉन गमन करेगा जो अधिक विद्युत दृढ़ी होगा, तो हाइड्रोजन से अधिक विद्युत दृढ़ी कौन है? ब्रोमाइड। तो उस पर ब्रोमाइड की तरफ एयर हो गया, ये ब्रोमाइड को की तरफ एयर हो गया आपका, ठीक है। तो बी आर क्या हो गया? माइनस हो गया, और हाइड्रोजन क्या हो गया? प्लस हो गया। और ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया? टूट गया। विघटन बंद निकलना मतलब बंद क्या हो गया? टूट गया। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप बाय स्टेप करिएगा तो बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, ठीक है। आपको एक भी कठिन नहीं लगेगी, यही लगेगा कि नहीं बहुत इजी पढ़ा है, ठीक है। बस आप थोड़ा हेल्प करिएगा इस बात की कि लाइक एंड सब्सक्राइब करें। स्टेप नंबर दूसरा क्या है? अब आपको जिस पर योग कराना है एथिलीन पर, तो क्या है एथिलीन? CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अभी अभी हमने पढ़ा कि CH2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाए इलेक्ट्रॉनों पर उत्पन्न प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की कंडीशन घट रही है, ठीक है। इसीलिए मैंने बेसिक्स उठाया कि आपको ये सब समझ में आना चाहिए कि कहां कौन सी घटना घट रही है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आक्रमणकारी, और डबल बॉन्ड में एक पाई बंद होता है और एक सिग्मा बंद होता है, ठीक है। तो जब ये टूटेगा तो एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। तो इस भाग पर ये बॉन्ड ऐसे गया होगा, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस होगा, और ये बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। स्टेप नंबर थ्री देखिए, स्टेप नंबर थ्री। अब ये जो आपको मिला इसको यहाँ पर रखिए, CH2 प्लस है, धनायन है, सिंगल बॉन्ड CH2 ऋणायन है प्लस। अब यहाँ से जो आपका HBr से जो हेट्रोलिटिक हुआ था, तो यहाँ से H प्लस को लीजिए और इसको यहाँ इसमें योग कराइए, क्योंकि हमको योग कराना है, एडिशन प्रोडक्ट कराना है, एडिशन रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो ये जो H प्लस है, और आप जानते हैं कि अपोजिट केमिस्ट्री में किसी भी एलिमेंट को जोड़ो जिनके ऊपर आयन हो, तो वो वही आयन जुड़ते हैं जिनमें अपोजिट होते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे जुड़ता है। तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि CH2 ये प्लस सिंगल बॉन्ड, ये H प्लस है, ये माइनस से योग करेंगे तो क्या बन गया? CH3 बन गया। अब ये जो आपका मिला कंपाउंड इसको रखिए यहाँ पर, CH2 कार्बनिक यौगिक जो मिला आपको CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, ये क्या है? Br माइनस का योग कराइए, तो Br माइनस का जब योग कराए तो CH2Br ये प्लस माइनस का ये कॉम्बिनेशन बना, तो सिंगल बॉन्ड CH3, इसी को हम बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। देखिए यहाँ से भी हमने यही प्राप्त कर लिया, और पहले ये कराए थे ऐसे सिंपल, तो यहाँ से भी प्राप्त कर लिया। अब आपको ये समझना है कि ये क्या है, यही है मार्कोनी का आपका यहाँ नियम लगा। मार्कोनी का आपका नियम ये होता है कि मार्कोनी का आपके नियम में जो हाइड्रोजन भाग, हाइड्रोजन का जो ऋणात्मक भाग होता है, हाइड्रोजन मार्कोनी का आपके नियम में हाइड्रोजन का जो ऋणात्मक भाग होता है वह उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। देखिए CH2 और CH3 में कहां हाइड्रोजन की संख्या कम है? CH2 पर। तो Br कहां जुड़ा? Br कहां आपका जुड़ा? CH2 पर। तो CH2Br हो गया। आगे अभी मैं मार्कोनी का नियम अभी डिस्कस करने वाला हूँ, और डिटेल से आपको समझ में आएगा। तो आपको मैकेनिज्म कितने स्टेप में लगभग हुई? 4 स्टेप में, और आपको आसान भी लगी होगी कि HBr है आपका, इसमें विषम विद्युत हुआ, तो आयन है, विषम विद्युत के फलस्वरूप क्या आते हैं? आयन आते हैं, ठीक है। अब एथिलीन लिया आपने, एथिलीन में क्या डबल बॉन्ड है, तो एक पाई बंद होगा, तो आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में टूटेगा, तो जब पाई बंद टूटेगा तो इसमें आयन आएंगे प्लस माइनस आए। अब दोनों का क्या करेंगे? एक एक को लेकर के योग करा दीजिए, तो माइनस प्लस ये जुड़ गया, CH3 हो गया ये, और CH2 अभी है। अब इसको लेकर के हमने Br माइनस को एक बार इसका योग करा दिया, क्योंकि योगात्मक क्रिया पड़ रहा है। यहाँ पर मार्कोनी का आपका नियम लगा CH2Br से कन्वर्ट करके कैसे, यही C2H5Br। और इसी तरह की मैकेनिज्म आपको एल्कोहल फिनाइल ईथर, अगर ये मैकेनिज्म आपको इजी लगी होगी तो पूरा एल्कोहल फिनाइल ईथर इपॉक्साइड आपको बहुत इजी लगेगा। तो आगे अभी अगली देखिए, अगली है मार्कोनी का नियम, बहुत सरल तरीके से समझेंगे क्या है।
इस नियम के अनुसार किसी असममित द्विबंध पर जुड़ने वाले हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अगर आपको मार्कोनी का आपका नियम समझ में आ जाएगा तो प्रति मार्कोनी का आपका नियम बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि किसी असममित द्विबंध पर हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। देखिए अब जैसा कि स्पष्ट है R आपको कोई एल्गिक समूह है तो R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक प्रारूप लेकर चल रहा है प्लस HBr का योग करा रहे हैं। तो देखिए मैंने दो रिएक्शन बनाए कि दो उत्पाद बनाए क्या क्या बन रहा है R CH सिंगल बॉन्ड CH2 तो CH से Br जुड़ गया ठीक है और CH2 से H जुड़ गया। तो यहाँ पर तो मार्कोनी का नियम स्पष्ट हो रहा है कि हाइड्रोजन अम्ल का जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है तो जुड़ गया तो ये मार्कोनी का नियम आपका सही हो गया ठीक है। अब प्रति मार्कोनी का नियम क्या है मार्कोनी का नियम का उल्टा कर दीजिए तो क्या बन गया प्रति मार्कोनी का नियम कि किसी असममित द्विबंध पर जुड़ने वाले हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या भाई अधिक होती है इतना कम की जगह से अधिक होती है प्रति मार्कोनी का नियम कहलाता है। तो देखिए रिएक्शन अब चेंज हो गया होगा R सिंगल बॉन्ड CH H के साथ ये जुड़ गया H और CH2 इसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक है तो इसके साथ Br के योग हो गए तो ये आपका क्या कहला है प्रति मार्कोनी का आपका नियम। अगली है क्या है आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब किसी कार्बनिक इसकी डिफिनेशन क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जब किसी कार्बनिक यौगिक का कोई परमाणु या समूह अन्य परमाणु या समूह द्वारा किसी दूसरे अन्य परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक प्रारूप लेकर चलना है ये भी आप एक AB जो है आपका AB प्लस C आपके दो अभिकारक नियम है AB आपका आधार है C आक्रमणकारी अभिकर्मक है तो इसने जैसे यहाँ पर अटैक किया तो B आराम से बढ़िया आराम से बैठा था और जिसने जैसे इसने अटैक किया तो B बेचारा भाग के बाहर हो गया और ये इसके साथ जुड़ गया था आधार के साथ तो AC को क्या कर दिया प्रतिस्थापित उत्पाद क्योंकि इसने हटाकर ये मतलब की CB से ज्यादा पावरफुल रहा होगा तो उसने हटा दिया। आजकल तो यही चल रहा है कि कमजोर को तुरंत क्या कर देते हैं हटा देते हैं और मजबूत वहां जाके बैठ जाता है समझ रहे हैं हम ठीक है। तो AB प्लस C तो C जो है B से मजबूत होगा तो ये B को प्रतिस्थापित कर दिया बेचारा B बाहर चल गया तो AC हो गया तो प्रतिस्थापित उत्पाद प्लस B और B जो निकला वो भैया कमजोर था तो भैया प्रतिस्थापित समूह अलग हो गया कमजोर व्यक्ति मजबूतों से अलग ही रहते हैं ठीक है। इसलिए अभी हमने आपको मार्कोनी का नियम समझाया प्रति मार्कोनी का नियम समझाया और इसके बाद हमने आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझाई ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझाई। अब कॉन्सेप्ट क्लियर समझाएंगे विलोमन अभिक्रिया। देखिए मित्रों मैं आपको यूट्यूब चैनल पर क्यों आ रहा हूँ इसका रीजन बता दूँ क्योंकि जो बच्चे होते हैं काम के ठीक है या कुछ शहर के होते हैं कुछ लोग फीस की वजह से नहीं अच्छी जगह ज्वाइन कर पाते कोचिंग ठीक है इस वजह से जो भी पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा अगर वो मेरे चैनल पर जुड़ेगा तो उसको तो बहुत फायदा मिलेगा बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मैं जितने भी क्लासों में वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं होगा आप जब तक चाहें तब तक देख सकते हैं और जितना भी पढ़ाओ वो आपका अपलोड ही रहेगा यूट्यूब पर ठीक है। जो भी गरीब वर्ग का विद्यार्थी हो या जिसके पास पैसों की कमी हो और पैसे की वजह से अगर शिक्षा अच्छी नहीं ग्रहण कर पा रहा तो उसको जरूर मेरे चैनल उसको एक बार जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा क्योंकि मैं क्लास
सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी सेकेंड ईयर एंड अदर कंपटीशन एग्जाम में जो जनरल साइंस आती है उसको कवर करूंगा और उसमें मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कवर करूंगा। ठीक है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैं आपको कवर करूंगा, बाकी इंग्लिश मैथ की जो वीडियो होगी वो अलग से आपको बनाकर देंगे अगर व्यवस्था हो जाएगी, नहीं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो रुकेंगे नहीं, वो आपको मिलते ही रहेंगे। इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा अधिक मित्रों को या सगे संबंधियों को अपने व्यवहारियों को जोड़ सकते हैं तो जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि मेरा जो व्यवहार है या परिचय है वो आप तक है और आपका जो परिचय है और आगे तक है। तो इसी तरह आप इसको बढ़ाते रहिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी थोड़ा अच्छा लगे, नहीं कि बच्चे हमको फॉलो कर रहे हैं, मेरे मित्र मुझको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चल रहे हैं अपने टॉपिक पर, विलोपन अभिक्रिया लास्ट ही होने वाला है, एक दो अभिक्रियाओं बची है, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आज बीसिक कंप्लीट होगा, बेसिक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो जो भी अब मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा वो डायरेक्ट यूनिट सेकंड एल्कोहल के नाम से अपलोड करूंगा, वहां पर भी जो मैकेनिज्म यूज होगी आपको देखना इतना इजी तरीके से समझ में आएगा। नहीं, आप एक बार जरूर यही कहोगे कि नहीं है तो छोटा पर पढ़ाता बड़ा विद्यास है, ये आप ही कहेंगे, मुझे मैं खुद नहीं कहूंगा, आप खुद कहेंगे और मेरे ये चेहरा लंबाई को देखकर नहीं, आप मेरे नॉलेज को देखकर कहेंगे कि नहीं कुछ तो पढ़ाया है, कुछ क्वालिटी है। नहीं तो मैं भी अभी बीएससी सेकेंड ईयर का ही छात्र हूँ मैं भी, ठीक है, और बीएससी सेकेंड ईयर की आगे ही केमिस्ट्री की ही वीडियो दे रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों की राय थी, उन्होंने कहा नहीं अगर आती है तो उसकी केमिस्ट्री स्टार्टिंग की है तो उसमें भी थोड़ा अगर बना दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कुछ, क्योंकि फीसों की वजह से लड़के नहीं पढ़ पाते, इस वजह से सभी का सहारा बनना पड़ा। ठीक है, बाकी वो कहते थे कि नहीं सहयोग होगा तो स्टार्ट कर दिए पढ़ाना। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरा जरूर सहयोग करिएगा, मुझसे जितना से जितना ज्यादा हो सकेगा मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। ओके, तो चलिए विलोपन प्रक्रिया, इसे कहते हैं विलोपन प्रक्रिया, इसको समझते बिल्कुल टेंशन फ्री होकर भी समझिएगा भाई, पानी वानी आराम से पी लीजिएगा अगर वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, तो विलोपन अभिक्रिया क्या है, विलोपन अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं से, जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं से अर्थात अभिकारक अणुओं की क्रिया से कुछ ना कुछ अवश्य अणु या परमाणु संघ से निष्कासित मतलब बाहर हो जाते हैं, इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। विलोपन का मतलब विलाप, मतलब खो गए, खो जाता है। ठीक है, अगर देहाज भाषा में कहा जाए तो मिला जाए, कोई चीज किसी वजह से कोई चीज कोई जगह से मिला जाए उसको कहते हैं विलोप हो गए, मिला गए। ठीक है, तो विलोपन अभिक्रिया किसे कहेंगे कि जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं से अर्थात अभिकारक अणुओं से अभिकारक अणुओं की क्रिया से कुछ ना कुछ अवश्य अणु या परमाणु सरल रूप से निष्कासित या बाहर हो जाते हैं तो इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, निर्जलीकरण जो होती है वह अभिक्रिया, निर्जलीकरण अभिक्रिया भी विलोपन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। निर्जली मतलब इसमें जल निर्जल हो जाएगा, जल मतलब बाहर हो जाएगा। ठीक है, निर्जलीकरण अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया का ही उदाहरण है, जिसमें पानी, पानी स्रोत होता है H2O का एक अणु सरल रूप से, पानी का कम से कम एक अणु तो सरल रूप से आसानी से निष्कासित हो जाता है निर्जलीकरण अभिक्रिया में। यह सब यूज होगा जब एल्कोहल फिनाइल के ऊपर डालेंगे। इसी प्रकार विहाइड्रोजनीकरण भी अभिक्रिया जो है वो विलोपन या विलोपन का दूसरा नाम होता है निराकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिएगा, एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण, ये एथिल एल्कोहल का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, दारू इसको बोलते हैं। ठीक है, C2H5OH कंसंट्रेट सांद H2SO4 की उपस्थिति में टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर जब अभिक्रिया कराएंगे तो एथिलीन में परिवर्तित हो जाएगा और यह पानी का एक अणु बाहर निकल जाएगा। आपने कक्षा 10 से यही पढ़ा होगा, कक्षा 10 में
13 में 12 में एक क्वेश्चन को जरूर पढ़ा होगा, कैसे बनाएंगे या क्या होता है जब, ये जरूर क्वेश्चन सुना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की क्रिया शांत H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस की 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया होती है तो एथिलीन बनता है। ऑप्शन में भी आ सकता है, एग्जाम में भी, ठीक। और कैसे बनाएंगे ये भी आ सकता है, कैसे बनाएंगे एथिल एल्कोहल से एथिलीन, तो इसके मैकेनिज्म समझेंगे क्रिया विधि उसी तरह स्टेप 4 स्टेप में ही होगी। H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा जिसको कहते हैं H+ + SO4- आयन, इनको अब बताइए इसमें प्लस और माइनस आयन आया क्या हुआ होगा, हेट्रोलिटिक बंधन होगा, विषम बंधन बताया ना। और आपको ये एथिल एल्कोहल को तोड़ दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, इस पर हमने योग कराया H+ का, तो CH3CH2 इसमें तो नहीं जुड़ेगा पर OH में H जुड़ गया तो OH2+ हो गया। CH3CH2 ये OH2+ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, मतलब ये इससे ज्यादा पावरफुल होगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या और आकर्षित हो रहा, तो यो ये जो OH+ को ध्यान से देखिए H2O लिखा है, ये जल का एक अणु लिखा है और निर्जलीकरण का ये निर्जलीकरण हम पढ़ रहे तो जल का अणु आसानी से बाहर निकल गया और इस पर ऋणावेश आएगा और इस पर क्या होगा धनावेश आएगा। तो देखिए क्या बना अगले स्टेप पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2+ आया। अब CH3 को हमने तोड़ दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2+ रिएक्शन हुई तो CH2 ये H भी हमको बाहर करना था, जैसे ये H बाहर हुआ ये बॉन्ड ऐसे धुआं होगा तो ये H क्या हो गया बाहर हो गया, ये बॉन्ड ऐसे गया होगा तो H+ का C- का, तो ये H+ बाहर हो गया तो प्रतिस्थापित हो गया, ठीक है, ये बाहर हो गया अलग हो गया और ये इस पर घूमा सी पर तो ये आपका कहेगा माइनस का है और ये प्लस का ही है। अभी तक मैंने ये समझाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पर यही समझाया था कि हम डबल बॉन्ड को तोड़कर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते और प्लस माइनस आए लाते थे, यहाँ देखिए माइनस प्लस ये प्लस माइनस आगे पीछे रख सकते हैं तो आयन आए यहाँ पर प्लस माइनस जो आयन आए इसको हम क्या लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 आयन हटा दीजिए तो वही बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव का, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव आ गया ना, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, ठीक। अभी आगे और दो तीन रिएक्शन है, ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने मित्रों को भेजिएगा, उन मित्रों को भेजिएगा जो पढ़ने वाले हों, ठीक है, और पैसों की प्रॉब्लम हो। मैं यूट्यूब पर हमेशा 3 वीडियो ही अपलोड करूंगा, किसी वीडियो पर कोई भी प्राइवेसी नहीं लगेगी, जितने भी वीडियो बनाऊंगा पूरे आप देख सकते हैं, जितने भी ट्रैफिक में बनेंगे या समय, पिछले वीडियो में यही बताया था कि समय चाहे थोड़ा ज्यादा लग जाए पर वीडियो में पूरे आपको अपलोड करके दूंगा। तो देखिए अब अगले हेडिंग आ रही है आपकी नामिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, बस कहे थे ना 10 हेडिंग ही आपकी है बेसिक कॉन्सेप्ट में, फिर इसके बाद एल्कोहल फिनाइल ईथर इपॉक्साइड में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं ना उनके लिए एक शायरी में जरूर पेश करूंगा कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, और मेरी मंजिल तो आसमान है रास्ता मुझे खुद बनाना, ठीक है। इस बात पर आइए नामिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया की डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, क्या वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक प्रकृति के आधार का, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक प्रकृति के आधार का कोई भाग नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापित हो जाता है, नाभिक स्नेही से क्या हो गया प्रतिस्थापित हो गया मतलब आउट हो गया बाहर निकल गया, तो क्या कहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है कि वे प्रतिस्थापन क्रियाएं जिनमें कार्बनिक प्रकृति के आधार का कोई भाग नाभिक स्नेही से
कृत स्थापित हो जाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, एल्किल हाइड्राइडों की प्रतिस्थापन क्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रारूपिक उदाहरण है। एक प्रारूप लेकर चल रहे हैं, आर एक्स आपका एल्किल हाइड्राइड है, ये एल्किल समूह है, एक्स हाइड्रोजन है तो एल्किल हाइड्राइड प्लस एनयू ये नाभिक है, नाभिक स्नेही है। जैसे रिएक्शन किया तो ना जो भी कार्बनिक इस यौगिक का कार्बनिक आधार क्या है, एल्किल ग्रुप, ये इसने नाभिक से क्या कर लिया, इसने ही कर लिया, और ये जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है ये क्या हो गया आपका बाहर निकल गया। ठीक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक SN1 को ध्यान दीजिएगा, नीचे नहीं रखना ऊपर SN1, प्रथम कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। इससे समझ जाइएगा, इससे अभी परिभाषा जो बताऊंगा आपको बहुत सरल लगेगी। SN2 द्वितीय कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी हम इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में बताने वाले हैं, वीडियो को ऑन रहने दीजिएगा। ठीक है, देखिए हमने अभी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया। अब उसके प्रकार दो प्रकार की होती है, SN1 प्रथम कोट की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और SN2 द्वितीय कोट की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोनों की परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करूंगा और डिस्कस करने के बाद ये वीडियो यहीं तक रहेगा और अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें यूनिट सेकंड से हाल फिलहाल तथा इवॉक्साइड दो वीडियो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के बने हैं। ठीक है, जो मित्र वीडियो अगर नहीं देख पा रहे हैं तो वो जरूर बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा, फिर एल्कोहल फिनाल वाला भीतर एल्कोहल फिनाल भीतर इपॉक्साइड वाला वीडियो समझिएगा। ठीक है, बेसिक आप ना छोड़िएगा, अगर बेसिक छोड़ दिए तो यहाँ की मैकेनिक जो नहीं समझ में आएगी और पल्ले नहीं पड़ेगी, फिर आप यही कहोगे कि पढ़ा कैसे। तो SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या इसकी डेफिनेशन बिल्कुल एक लाइन की है, ज्यादा बड़ी नहीं, एक लाइन की है, सभी हेडिंग इसी तरह तीन तीन चार चार लाइन की मिलेगी, जो लाइन होगी उसको बताते जाएंगे कि ये लाइन है ये सॉल्ट है। राइट, तो ये अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की होती है, मतलब इनकी कोटि कितनी होती है, एक, तथा ये दो पदों में पूर्ण होती है। समझिएगा, कोटि कितनी है, प्रथम, और कितने पद पूर्ण हो रही है, दो में, मतलब एक दो। ठीक है, एक क्या है, एक कोटि है और दो पदों में पूर्ण हो रही है। आसानी से याद करिएगा, बिल्कुल आसानी से टेंशन फ्री होगा और नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा जब वीडियो ऑन करिएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की होती है तथा ये दो पदों में पूर्ण होती है, जैसा कि स्पष्ट है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, dx/dt प्रोपोर्शनल टू rx, ये आपका कोई एक क्या दिया हमने अभिकारक पदार्थ की परिभाषा क्या समझेंगे हम, अभिक्रिया का वेग किसे कहेंगे, कि किसी अभिकारक या क्रियाफल पदार्थों में, दिखाना या समझिएगा, किसी अभिकारक या क्रियाफल पदार्थों में होने वाला सांद्रण परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ये आप लेवल 12 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको रिवाइज करा रहा हूं। कारक या क्रियाफल पदार्थों में होने वाला सांद्रण परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो प्रथम कोटि की है तो एक ही क्या होगा, अभिकारक होगा और उस पर क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो अब इसको समझेंगे, प्रारूप इसका समझेंगे, ये आपका प्रारूप है। तो Rx आपका एल्किल हाइड्राइड है, पहले क्रिया मंद गति से होगी और एल्किल हाइड्राइड और हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है, अधिक थोड़ा विद्युत ऋणी होता है, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस पर ज्यादा आकर्षित होगा, ध्रुवित होगा, आवेशित होगा इस तरह। तो R को प्लस प्लस एक्स माइनस, ठीक है, तो ये क्या है, आयन आ गया, आयन आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फ्यूजन हुआ है, विघटन हुआ है, हेट्रोलिटिक, विषम बंधन हुआ, क्योंकि विषम बंधन के फलस्वरूप आयन बनते हैं और सम बंधन के फलस्वरूप मुक्त मूलक बनते हैं, फ्री रेडिकल।
अब एक स्थिति आपका पूरा हो गया, दूसरा स्टेप उठाइए इसको R प्लस प्लस एक्स माइनस और न्यूक्लियस से, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेह, नाभिक से स्नेह करा रहे हैं, ठीक है, स्नेह नाभिक से स्नेह मतलब प्रेम करा रहे हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस जानते हैं कि केमिस्ट्री में जब कोई रिएक्शन कोई प्रतिस्थापित होता है कोई योग होता है तो प्लस माइनस अपोजिट वाले जुड़ते हैं और जो बचते हैं वो निकल जाते हैं, तो R प्लस प्लस एक्स माइनस एन यू माइनस ये नाभिक स्नेह है। और अब अभिक्रिया थोड़ा तीव्र गति से होगी, तो क्या बना R सिंगल बॉन्ड एन यू ये नाभिक स्नेह कर गया और प्लस माइनस जुड़ करके फ्यूज हो गया, ये मतलब हट गए, प्लस एक्स माइनस ये हाइड्रोजन ग्रुप क्या है आपका बाहर हो गया, ठीक है। सेकंड अभिक्रिया द्वितीय कोट की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका जस्ट उल्टा होगा, देखिए ये अभिक्रिया दो कोट की होती है, ये कितने कोट की, प्रथम कोट की, ये कितने कोट की, द्वितीय कोट की, डिफरेंस भी साथ साथ समझते जाइएगा, ये अभिक्रिया दो कोट की होती है तथा एक ही पद में पूरी हो जाती है क्योंकि इनमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था होता है, इस बात का विशेष ध्यान देना, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था, ठीक है। तो ये अभिक्रिया दो कोट की होती है तथा ये एक ही पद में पूरी हो जाती है क्योंकि इनमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है या बनाती है, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। प्रारूप से समझेंगे, Rx आपका कोई एल्किलाइड है प्लस न्यूक्लियस से रिएक्शन हुई मंद में, ये देखिए संक्रमण अवस्था बनी, योग तो इसने कर दिए पर अभी फुल तरह से योग नहीं किया, फुल तरह से स्नेह नहीं किया नाभिक से, क्योंकि ये हाइड्रोजन ग्रुप ये संक्रमण अवस्था में आपका क्या हाइड्रोजन ग्रुप, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था, ठीक। अब इसको थोड़ा फास्ट कर दीजिए तो ये हाइड्रोजन ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और ये नाभिक से एल्किल समूह स्नेह कर लेगा, ये आपका उत्पाद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप समझता हूँ इस बात को कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से ज्यादा शेयर कर सके तो शेयर करें, क्योंकि जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं जिनके पास फीस के अभाव होता है उनको जरूर एक बार चैनल जरूर एक बार लिंक भेजिएगा, ठीक है। ये वो पूरा बेसिक पार्ट है, पूरे वीडियो अपलोड होंगे, किसी भी वीडियो का प्राइवेट या प्राइवेसी कुछ नहीं रहेगा, आप जब तक देखना चाहते हैं तब तक देखिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम मिलेंगे।